तारीख को फैसला होगा एक बार फिर से 77 तकदीरों का। 263 करोड़ के आसपास की रकम है, जहां 10 टीम्स कह रही हैं वल्ला हबीबी कम टू दुबई, कम टू दुबई। मतलब एक्चुअली दे विल गो टू दुबई, प्लेयर्स विल नॉट गो टू दुबई, लेकिन वहां से फैसला होगा तकदीरों का। सो बड़ा ऑप्शन नहीं है, लेकिन मिनी ऑप्शन किसी बड़े ऑप्शन से कम नहीं होता। यहाँ पे सबसे बड़ी बोलियां लगती हैं। देखिए 19 तारीख को बहुत चीजें ट्रेंड करने वाली हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में दो चीजें ट्रेंड की, एक हार्दिक पंड्या का ट्रेड मुंबई के लिए, दूसरा गौतम का लखनऊ से कोलकाता वापसी के लिए। जी जी, अरे स्माइल ही वापस आ गई है कोलकाता जाते हुए। नहीं ऐसा नहीं, लखनऊ में भी स्माइल कर रहे थे, लेकिन कोलकाता। गौतम दा कैमन आछे? बहुत इमोशनल डिसीजन है, इनफैक्ट ऐसा डिसीजन है कि आप ठीक है, बहुत अंदर से खुशी भी है प्लस एक्सपेक्टेशंस भी, और आप चाहते हैं कि वापस जाएं जहाँ पर आपने इतनी मेमोरीज क्रिएट करी थी, इतना। और मैंने अकेले नहीं, मेरे साथ जो खिलाड़ी बैठे हैं, खिलाड़ी हैं, अभी मेरी तरह एक्सपर्ट नहीं है, खिलाड़ी हैं, अभी कर खिलाड़ी हैं, बिजनेस क्लास की सीट पे डीएनडी लगा के बैठूंगा, सेगमेंट पे बात मत करना मेरे से। तो हम सब ने मिलकर, सब ने मेहनत करी थी एक ऐसी फ्रेंचाइज को दो बार चैंपियन बनाने की, तो जब आप वापस जाते हैं वो भी 6 साल के पीरियड के बाद, तो ऑब्वियसली वो इमोशनल डिसीजन है। इमोशनल के साथ साथ जितना प्यार आपको कलकत्ता में मिला था, होपफुली आप कुछ ना कुछ वापस दे पाए। टॉप 3 पर्स में तो है कोलकाता की टीम, लेकिन यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं आजकल, अगर आप देखते हैं सामाजिक माध्यम पे, तो ट्रैविस हेड को तो भारतीय दर्शक बुलाते हैं, वो नाम भी नहीं लेते। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द पर्स। गुजरात टाइटंस आएंगे सबसे ज्यादा पैसे लेके, सनराइजर्स हैदराबाद 34 करोड़, उनके पास भी है, अक्सर अपने आप को काफी ऊपर ही सूची में पाते हैं सनराइजर्स हैदराबाद। कोलकाता नाइट राइडर्स 32 करोड़ 70 लाख लेके आएंगे, चौथे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स है। Let me just start with you, Gautam. ये जो हमने टॉप 5 नाम लिए हैं, रचिन रविंद्र ऑब्वियसली इज फ्लेवर, और थोड़ा सा सरप्राइज कि उन्होंने अपना बेस प्राइस जो है वो 50 लाख का रखा है, जानते हैं कि बड़ी बोली लग सकती है। डैरिल मिचेल है, ट्रैविस हेड है, बट इनफैक्ट आई विल टेल यू दिस, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि अगर आप अपना बेस प्राइस कम रखें, जनरली इट्स अ गुड थिंग, जितना आप बेस प्राइस कम रखते हैं उतनी टीम आपके लिए जाती है। ये रियलिटी है कि एक युवा खिलाड़ी हमेशा पहले ये कोशिश करता है कि मैं IPL का एक्सपीरियंस तो लूँ, मनी डज नॉट मैटर। हर टाइम पे आप ये नहीं सोच सकते यार IPL में मैं भी 8 या 10 या 15 करोड़ में चले जाऊँ। अगर आज आप रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी की बात करें, तो उनके लिए वो IPL का एक्सपीरियंस ही एक बहुत बड़ी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि IPL आके देखे, तो इसलिए मेरा मानना है शायद उन्होंने रखा होगा कम बेस प्राइस। इन बल्लेबाजों में से सबसे ज़्यादा बोली आपको क्या लगता है कि वो जो 34 करोड़ के आसपास है इस पर खर्चने लगे? जिसको पीयूष चावला को जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है उसी पे बोली लगेगी। बता दो फिर। बोलर पीयूष चावला बताएगा ना सबसे डेंजरस कौन है? लेफ्टी, लेफ्टी इज नहीं, मतलब एक देखिए वानखेड़े पे और कोलकाता में अगर आप खेल रहे हैं एज अ गेंदबाज, तो आपको हर किसी से ही डरना पड़ेगा। आप एक या दो से भी डर सकते हैं। क्या लगता है किसकी तरफ जा सकते हैं? हमने जीजी के साथ कमेंट्री की थी, डैरिल मिचेल बड़े पसंदीदा खिलाड़ी हैं जीजी। रति भाई क्या लगता है आपको? ये मेरे चेहरे पे मत जा। मैं क्या सोच रहा हूं? प्रेडिक्शंस सिम्बा, ये सिम्बा इज फॉर प्रेडिक्शंस, ये बता दूं, ये हमारे सिम्बा दोस्त हैं। प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा किस पे बोली लगेगी? मैंने तो एक्चुअली वो 5 खिलाड़ी, ट्रैविस हेड, रचिन रविंद्र, स्टीव स्मिथ भी थे वहाँ पे क्योंकि सीनियर खिलाड़ी के नाम पे नाम रखा था, और डैरिल मिचेल और शाहरुख खान। नाम लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो फ्लेवर ऑफ द सीजन ही होता है जो वो वो अब समझ जाओ वो समझ।